नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल रिस्टॉक पर। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए यूपीटीटी एग्जाम जो आपका हो चुका है आज, उसमें बाल विकास की आंसर की आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आप अपने सभी उत्तरों का मिलान कर लें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न आपके सही हैं और कितने प्रश्न आपके गलत हैं। दोस्तों ये जो आंसर की है बाल विकास के पेपर टू की है, आप ये पूरी वीडियो देखिएगा और अब मैं बिना समय गवाए आपकी ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? पहला सरल से कठिन की ओर, दूसरा अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा दृश्य से अदृश्य की ओर, या चौथा निगमन से आगमन की ओर। दोस्तों इसमें राइट आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर चार, निगमन से आगमन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? पहला प्रतिपुष्टि, दूसरा शिक्षण, तीसरा योजना बनाना, या चौथा प्रस्तावना। दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन है आपका प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पहला पृथक्करण, दूसरा अनुप्रयोग, तीसरा तुलना, या चौथा अन्वेषण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर चार यानी कि अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। इसमें अगर आपको जब सही उत्तर चुनना था, ये तीन आपको ऑप्शन दिए थे, तीन ए बी सी वाले और उसके नीचे चार ऑप्शन थे, इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर चार, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? पहला दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, तीसरा ध्वनि संवेदना, या फिर प्रत्यक्षण संवेदना। इसमें जो आपका राइट आंसर है दृष्टि संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? दोस्तों ये सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन भी देखे हैं हमने बाल विकास में, पहले भी हमने यूपीटीटी में काफी क्वेश्चन देखे थे और कुछ क्वेश्चन हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के मैंने वीडियो डाली उससे रिलेटेड भी आए हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीन यानी कि 2 से 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? पहला भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, तीसरा बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या काल्पनिक व्यूह का अंत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? पहला पावलोव, दूसरा बीने, तीसरा चोमस्की, या चौथा मास्लो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, चोमस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? दोस्तों ये तो वैसे आपको पता ही होगा, ये बहुत ही फेमस सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। इसमें जो आपका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 यानी अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। दोस्तों आगे के क्वेश्चन भी मैं अभी लेकर आ रहा हूं तुरंत, तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।